गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, पीसी क्लासेस में स्वागत है। आज और एक नई वीडियो में जो आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुए हैं, क्लास 9 का आपका विषय आपका सामाजिक विज्ञान है। कक्षा 9 का विषय सामाजिक विज्ञान का जो आपका मॉडल सिंपल क्वेश्चन पेपर है, जो आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। और आज हम आपका सोशल साइंस का जो आपका सेट 1 है, इसका 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, जो आपका झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा जो आपका प्रथम सर्वाधिक परीक्षा जो आपका है 2022-23, उसके लिए जो मॉडल प्रश्न पत्र जो जारी किया गया है, जो आपका बहु विकल्पीय है, जो MCQ बेस्ड है, जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन का, आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जो JCERT द्वारा आपका JCERT द्वारा आपका जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए, जो 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम जो देने वाले स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन को। आप सभी जानते हैं कि इसके लिए जो आपका सामान्य निर्देश आपका है, कुल प्रश्नों की संख्या 40 होता है और सभी प्रश्न का उत्तर जो है अनिवार्य है, और एक प्रश्न प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक दिया जाता है, और 4 विकल्प में से एक सही विकल्प को चुनाव करना होता है और गलत उत्तर के लिए नंबर नहीं काटा जाता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यह वीडियो आपका, जो सोशल साइंस का क्लास 9 का आपका सोशल साइंस का जो आपका मॉडल सिंपल क्वेश्चन पेपर है, JCERT द्वारा जो जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन पेपर है, तो झारखंड बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा यह। चलिए तो शुरू करते हैं आज का यह क्लास को। तो पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन आपका है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति का जो अग्रदूत किसे कहा जाता है? देखिए तो सबसे पहले हम बता दे रहे हैं फ्रांस की क्रांति का जो है शुरुआत कब हुआ। तो फ्रांस की क्रांति का जो शुरुआत हुआ आपका 1789 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति का शुरुआत कब हुआ? 1789 ईस्वी में, 1789 को फ्रांस की क्रांति शुरुआत हुआ। और प्रमुख क्रांतिकारी जो ये जो था वो आपका पूरे यूरोप को एक नई दिशा प्रदान की गई फ्रांस की क्रांति से। यह क्रांति लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। कब हुआ था ये जो आपका 1789 में फ्रांस की क्रांति का शुरुआत हुआ, और यह जो है पूरे यूरोप में एक नई दिशा प्रदान की गई, और यह क्रांतिकारी जो आपका लुई सोलहवां के शासनकाल में यह क्रांतिकारी शुरू हुआ था। और इसका जो आपका अग्रदूत जो था फ्रांस की क्रांति का, तो आपका रूसो था, फिर आपका क्या था वाल्टेयर, और आपका मोंटेस्क्यू। तो इस तरह से आपका जो आपका फ्रांस की क्रांति का जो अग्रदूत था आपका वाल्टेयर, रूसो और मोंटेस्क्यू को माना जाता है। तो इस तरह से आपका यहाँ तो आपका आंसर आपका डी भी आपका सही है, और आपका रूसो भी है, तो इसलिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे दिया है, तो आपको किसी को भी आप सही कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन ही सही करो, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूसो। फ्रांस की क्रांति का जो अग्रदूत किसे कहा जाता है? रूसो, वाल्टेयर और आपको मोंटेस्क्यू, तीनों को माना जाता है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन को ही सही करना अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी ऑप्शन पहला तो वही आपके लिए सही होगा। ऐसे आपका रूसो भी सही है और वाल्टेयर भी सही है, तो ऑप्शन बी ही सही करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन आपका है, इनमें से आपका किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है? तो आपका अप्रत्यक्ष कर जो आपका है किन वस्तुओं पर लगाया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो आपका किन वस्तुओं पर लगाया जाता है? तो इसका देखिए आपका अप्रत्यक्ष कर जो आपका इंटरटेनमेंट के लिए लगा था, मनोरंजन के लिए लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो
ऑप्शन यहाँ नहीं दिख रहा है। चावल गेहूँ ये सब तो आपका नहीं है, चावल और गेहूँ, चाय, रेशम, नमक, तंबाकू, तो इनमें से आपका अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट कर किस में लगाया था, मनोरंजन के क्षेत्र में आपको लगाया जाता है, तो यहाँ पे मनोरंजन तो नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या है इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर थ्री आपका, लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें से निम्न में से कौन सी मांग शामिल नहीं थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, जो आपका 3 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए, ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें से निम्न में से कौन सा मांग शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए। चलिए इस तरह से आपका क्वेश्चन आपका थ्री हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर आपका क्या कह रहा है, रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन क्या कहलाते हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाए आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सोवियत, रूस के जो स्थानीय स्वशासी संगठन है वो क्या कहलाता है, सोवियत कहलाता है, सोवियत संगठन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, धुरी धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा जाता है, धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा जाता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका, इसमें आपको धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, जर्मनी, इटली और जापान, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पांच का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, धुरी शक्ति राष्ट्र में जो कौन कौन देश को रखा गया है, तो आपका आपका है जर्मनी, जर्मनी है, इटली है और जापान, यह दोनों तीनों देश जो आपका क्या है धुरी शक्तियों वाला देश में शामिल है, जर्मनी, इटली और जापान, यह आपका क्या है धुरी शक्तियाँ ये सब देशों को कहा जाता है। चलिए धुरी राष्ट्र के देश यह सब था, जर्मनी, जापान और इटली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका है, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई, तो इसका सही उत्तर हो जाए आपका, वर्सा की संधि, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी वर्सा की संधि, वर्सा की संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दिया गया था, क्या किया गया था, वर्सा के संधि के में जो है आपका, वर्सा की संधि में जो आपको वर्सा के संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें को थोप दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वर्सा की संधि जो है आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए वर्सा की संधि को जर्मनी पर जबरदस्ती थोपा गया था, इस कारण जो है एडोल्फ हिटलर जो आपका ये जो एडोल्फ हिटलर था वो आपका एडोल्फ हिटलर, तो वर्सा की संधि को जर्मनी पर जबरदस्ती थोपा गया था, इस कारण एडोल्फ हिटलर और अन्य लोग जो है जर्मनी के, और एडोल्फ हिटलर और अन्य जो जर्मनी के जो लोग थे इससे अपमानजनक मानते थे, और इस तरह से यह संधि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण में से भी एक था, इसके कारण वह द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ, जो आपका वर्सा की संधि को जो जर्मनी पर जो जबरदस्ती थोपा गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर सेवन आपका है 1864, 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की, 1864 में जो है किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ब्रैंडिस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा ब्रैंडिस। देखिए
1864 में जो हुआ, तो इसमें आपका भारतीय वन सेवा की जो स्थापना किया, तो उसका पूरा नाम क्या था? डीट्रिच। क्या था आपका पूरा नाम? डी, इसका पूरा नाम था आपका, ये जो आपका 1864 में जो भारतीय वन सेवा की जो स्थापना की, ये ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, जो ब्रैंडिस, ब्रैंडिस। लेकिन उसका पूरा नाम क्या था? पूरा नाम था आपका डेट्रिच। क्या था? डेट्रिच ब्रैंडिस। क्या था? डेट्रिच, डेट्रिच ब्रैंडिस, इसका पूरा नाम था, जो 1864 में जो है भारतीय वन सेवा की स्थापना की, वो कौन था? डेट्रिच ब्रैंडिस। और यह क्या था? इंपीरियल वन विभाग भारतीय वन सेवा के अग्रदूत थे, और डेट्रिच ब्रैंडिस द्वारा ही 1864 में स्थापना किया गया था। किसका? भारतीय वन सेवा का, ठीक है। डेट्रिच ब्रैंडिस के द्वारा इंपीरियल वन विभाग भारतीय वन सेवा और आपका ये सब का स्थापना किसने किया? इंपीरियल वन विभाग और भारतीय वन सेवा का जो अग्रदूत था वो कौन था? डेट्रिच ब्रैंडिस द्वारा 1864 में इसका स्थापना कर किया गया। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, डेट्रिच ब्रैंडिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर एट आपका बोला कलांग कौन थे, कलांग कौन थे? कलांग कौन था आपका? अस्थाई चरवाहा था। कलांग कौन था? अस्थाई चरवाहा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आठ का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अस्थाई चरवाहा। कलांग कौन थे? तो अस्थाई चरवाहा था, वह आपका यानी वो मवेशी को चराने का काम करता था। वो कौन था? अस्थाई चरवाहा था, अस्थाई रूप से वो चरवाहे का काम करता था। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका? बुग्याल क्या है? बुग्याल क्या है? तो बुग्याल आपका क्या है? तो आपका इसका जो सही उत्तर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बुग्याल क्या है? तो बुग्याल आपका क्या है? ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बुग्याल क्या है? तो ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान है। देखिए, बुग्याल जो आपका है हिम रेखा और वृक्ष रेखा का जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, आमतौर पर हम उसे ही बुग्याल कहा जाता है। उत्तराखंड और गढ़वाल के क्षेत्र में टिम्बर रेखा है, जहाँ से यह रेखा समाप्त होती है, वहीं एक हरे मखमली घास के मैदान की शुरुआत होने लगती है। और असल में यह जो है उत्तराखंड और गढ़वाल के इसी मैदानी क्षेत्र को बुग्याल कहा जाता है। यह मखमली घास का मैदान 8 से 10 हज़ार फीट की ऊंचाई पर स्थित है, क्योंकि यह पहाड़ी इलाका है, और जब मई जून में वर्षा की महीना आती है तो यहाँ की बर्फ़ पिघलने लगते हैं और मैदान में हरे भरे घास और फूल उगने लगते हैं, जो देखने के लिए क्या है वो काफ़ी खूबसूरत होता है। तो आप समझ गए हैं कि बुग्याल क्या है, वो ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती है, तो आपका अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। दुनिया की आधी से जो ज़्यादा चरवाहा का जो आबादी वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा देश है? दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी वो कहाँ रहता है? तो अफ्रीका, अफ्रीका में कहाँ रहता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, अफ्रीका। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नांकित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? समकालीन दुनिया में जो है सबसे अच्छा रूप कौन है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लोकतंत्र। 11 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, लोकतंत्र। क्या हो जाएगा? लोकतंत्र। लोकतंत्र जो आपका क्या है, समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है लोकतंत्र। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 12 आपका बोल रहा है कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में सही नहीं है, सही नहीं है बोल रहा है। देखिए, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का सही तरीका, सही उपलब्ध कराता है, आपका सही है। लोकतंत्र सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी, यह भी सही है।
लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाती है, ये भी सही है। तो कौन गलत है? तो लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाती, आपका गलत है। और गलत ही चुना, आपका नहीं पूछा, इसलिए नहीं पूछा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता, ये आपका सही हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को कहते हैं, संविधान के जो आपका आत्मा है प्रस्तावना को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 आपका, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 14 का सी हो जाएगा, गोरे अल्पसंख्यक और श्वेत बहुसंख्यक का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 15 नंबर क्वेश्चन आपका, झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 81। झारखंड विधानसभा जो सीट है आपका एमएलए का, जो आपका एमएलए जो विधानसभा जो का जो सीट है वो झारखंड में कितना है? 81। और लोकसभा कितना है? 14। लोकसभा का सीट कितना है? एमपी के लिए कितना सीट है? एमपी के लिए जो सीट है आपका 14। लोकसभा के लिए जो सीट को लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 14। और विधानसभा के लिए 81। विधानसभा के लिए कितना है? एमएलए के लिए कितना है? 81। और इसके लिए एमपी के लिए 14। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, विधानसभा सीटों की संख्या झारखंड में 81 है और लोकसभा सीटों की संख्या 14। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 25 जनवरी। क्या हुआ? 25 जनवरी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो आपका वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और ये आपका जो आपका 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति पद का जो आपका रामनाथ कोविंद को प्राप्त हुआ था, और जो भारत के 14वें राष्ट्रपति थे, कितना थे? रामनाथ कोविंद, जो इससे पहले जो द्रौपदी मुर्मू से पहले जो आपका 14वें जो आपका राष्ट्रपति था वो कौन था आपका? नहीं देखिए, ये आपका जो तो 25 जुलाई 2017 को जो राष्ट्रपति पद का जो के लिए जो उम्मीदवार था रामनाथ कोविंद को प्राप्त हुआ था, जो भारत के 14वें राष्ट्रपति थे, और वर्तमान में जो है द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। और ये आपका 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी। देखिए 15 25 जुलाई 25 जुलाई 2017 को 25 जुलाई 2017 को आपका 14वें राष्ट्रपति के पद में आसीन था, पद ग्रहण किया था 14वें राष्ट्रपति के रूप में। कौन था? 25 जुलाई 2017 को 25 जुलाई, देखिए 14वें राष्ट्रपति थे आपका कौन? रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। और आपका यह जो था रामनाथ कोविंद आपका भारत के 14वें राष्ट्रपति थे, रामनाथ कोविंद, जो आपका वो आपका 25 जुलाई क्या है, 25 जुलाई 2017 को वो अपना पद ग्रहण किए थे और वह 14वें राष्ट्रपति थे। इसके बाद जो आपका अभी जो आपके वर्तमान में जो आपका क्या है, द्रौपदी मुर्मू, वर्तमान में क्या आपका द्रौपदी मुर्मू है, जो आपका 15वें राष्ट्रपति है। क्या है वो? 15वें राष्ट्रपति है और वह महिला में आपका दूसरी राष्ट्रपति है, महिला में वह दूसरी राष्ट्रपति है। इससे पहले एक और महिला थी, जो प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन था?
प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रथम महिला जो भारत के बनी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे, और यह दूसरी महिला है राष्ट्रपति में, दूसरी महिला है श्री द्रौपदी मुर्मू, और यह जब का 15वें राष्ट्रपति है। क्या है वो 15वें राष्ट्रपति यार, इसका जो यह जो का पद ग्रहण किए 25 जुलाई 2022 को, 25 जुलाई 2022 को अपना पद ग्रहण किए। वो 5 साल का राष्ट्रपति के लिए, 5 साल के लिए होता है। तो 15वें राष्ट्रपति आपका जो 25 जुलाई 2022 को वर्तमान राष्ट्रपति है अभी द्रौपदी मुर्मू, इससे पहले 14वें राष्ट्रपति कौन था तो रामनाथ कोविंद, जो का 25 जुलाई 2017 को वो अपना पद ग्रहण किए थे। चलिए तो इस तरह से प्रथम राष्ट्रपति पूछ देगा तो वह महिला में, प्रथम महिला में राष्ट्रपति बोलेगा तो वह हो जाएगा आपका अब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और दूसरी द्रौपदी मुर्मू जो अभी वर्तमान में है 25 जुलाई 2022 से वह अपना पद पर आसीन है, और यह दूसरी महिला राष्ट्रपति है और यह आपका 15वें राष्ट्रपति है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका, कौन भारतीय संसद के दो सदन है? तो देखिए एक आपका लोकसभा है और दूसरा राज्यसभा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 18 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा क्या क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा दूसरा होता है राज्यसभा। क्या होता है, एक होता है लोकसभा दूसरा होता है राज्यसभा। देखिए उच्च सदन जो होता है आपका वो राज्यसभा होता है, निम्न सदन आपका कौन होता है, ये आपका लोकसभा। तो भारतीय संसद के जो दो सदन है आपको कौन कौन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा, भारतीय संसद के दो सदन कौन है, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उच्च सदन और निम्न सदन, उच्च सदन और निम्न सदन। देखिए राज्यसभा आपका क्या है, राज्यों का परिषद है, राज्यसभा आपका राज्यों का परिषद है, और लोकसभा लोगों का सदन है, लोकसभा वो लोगों का सदन है। तो एक निम्न सभा, एक निम्न सदन और उच्च सदन, यही आपका भारतीय संसद के दो सदन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारतीय संसद के दो सदन जो आपका है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा लोगों के लिए होता है, राज्यसभा राज्यों के परिषदों के लिए होता है। और आपका लोकसभा जो आपका क्या है, निम्न सदन होता है, निम्न सदन। लोकसभा क्या होता है आपका, लोकसभा जो आपका होता है निम्न सदन होता है, और राज्यसभा आपका उच्च सदन होता है। उच्च सदन आपका क्या है, उच्च सदन जो आपका होता है आपका राज्यसभा होता है, राज्यसभा जो आपका भारतीय संसद के दो सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन आपका राज्यसभा होता है, और निम्न सदन जो आपका होता है यह क्या होता है, निम्न सदन जो होता है आपका यह आपका होता है लोकसभा। निम्न सदन क्या होता है, वह लोकसभा होता है। लोकसभा आपका क्या होता है, लोगों के लिए वो होता है, लोगों के लिए सभा होता है लोकसभा, और राज्य के परिषदों के लिए आपका राज्यसभा होता है जो आपका उच्च सदन होता है। और आपका लोकसभा निम्न सदन होता है, और आपका भारतीय संसद के दो सदन होता है, निम्न सदन और उच्च सदन जो आपका राज्यसभा और लोकसभा होता है। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, संगठन। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 19 नंबर क्वेश्चन आपका है, 19 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा 19 का वी हो जाएगा आपका, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। संगठन और संघ बनाने की जो स्वतंत्रता जो आपका किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो आपका हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, निम्नांकित में से कौन मौलिक अधिकारों में नहीं आता है? निम्नांकित में से कौन मौलिक अधिकारों में नहीं आता है, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, या फिर जाति भेदभाव का अधिकार? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए मौलिक अधिकारों में आपका समता का अधिकार आपका क्या होता है, समता का अधिकार आपका आता है, फिर का स्वतंत्रता का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में आता है, और संवैधानिक उपचार का अधिकार भी
मौलिक अधिकार में आता है। तो कौन नहीं आता है, तो जातिगत भेदभाव का अधिकार आपका यह नहीं आता है, यह आपका सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार में कौन नहीं है, तो जातिगत भेदभाव का अधिकार वो आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा। चले अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, तो भारत का सबसे जो आपका ये जो 21 नंबर क्वेश्चन आपका है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो इसका सही उत्तर हो जाए आपका आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है आपका, 2.4%। तो भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो आपका 2.4% है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 2.4%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, और भारत का जो कुल क्षेत्रफल आपका है कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का जो आपका कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आपका है, जो विश्व की कुल सतह का 2.4% है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है क्रमशः जो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है क्रमशः रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का रैंक कितना है, इंडिया का जो रैंक आपका है एरिया के अकॉर्डिंग, तो आपका 7th रैंक है। कितना रैंक है, 7th रैंक है, यानी आपका 7वां स्थान है भारत का। इससे 6 बड़ा देश है, भारत से बड़ा देश 6 देश बड़ा है, जो आपका प्रथम स्थान पर रूस है, दूसरा स्थान पर कनाडा है, तीसरा स्थान पर अमेरिका है, चौथा स्थान पर चीन है, 5वां स्थान पर ब्राज़ील है, और 6ठा स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, और 7वां बड़ा देश क्या है, भारत, 7वां स्थान में भारत है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और आपका विश्व की जनसंख्या का 2.4% वो भारत का जनसंख्या है। चलिए तो सॉरी, भारत का क्षेत्रफल है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्या है, निम्नांकित में से कौन सा हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, तो महान, हिमालय, शिवालिक, पूर्वी घाट, अरावली, इसमें से आपका यह जो क्वेश्चन है इसका आंसर इसमें तो नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका शिमला। क्या हो जाएगा, शिमला जो आपका क्या है वो पूरा सालों भर आपका बर्फ़ से, शिमला का, शिमला में एक जगह है आपका, तो क्या होता है हमेशा वो बर्फ़ से ढका रहता है। एक जम्मू कश्मीर में भी एक जगह है, वो भी क्या है हमेशा ढका रहता है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन एक भी ऐसा नहीं है जो आपका ढका रहता है हमेशा, तो ये आपका ये सब नहीं है। चलिए एक आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है 23, 23 क्या कर आपका, उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है, उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाए आपका, उत्तरी मैदान किन नदियों से मिलकर बना है, तो इसका सही उत्तर होगा गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। उत्तरी मैदान जो है वो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर बना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, क्या है आपका, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर के वह उत्तरी मैदान जो है वह गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर बना है। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, प्रायद्वीप नदियाँ की क्या विशेषता होती है, तो वह सदा जल प्रवाही होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रायद्वीप नदियाँ जो आपका है, प्रायद्वीप नदियाँ जो आपका क्या हुआ सालों भर क्या होता हुआ आपका जल का प्रवाह उसमें होते रहता है। प्रायद्वीपीय नदियाँ का जो आपका क्या हुआ प्राय, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और आपको बता देना चाहते हैं कि आपका ये जो आपका क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 23, क्वेश्चन नंबर 23 आपका जो उत्तरी मैदान की नदियों से मिलकर बना है, तो आपका सिंधु, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र उनकी सहायक नदियों द्वारा वो निर्मित है,
उत्तरी भारत, उत्तरी मैदान की जो तीन नदी है आपका सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये आपका ये तीनों नदी इसका क्या है, सहायक नदी है। और यह जो आपका उत्तर उत्तर का जो मैदान है दुनिया का सबसे बड़ा जलोढ़ क्षेत्र है, उत्तर का जो मैदान दुनिया का सबसे बड़ा जलोढ़ क्षेत्र है। और यह सिंधु के मुहाने से गंगा के मुहाने तक जो आपका 3200 किलोमीटर फैला हुआ है, कितना 3200 किलोमीटर तक वो क्या है वो फैला हुआ है, कहाँ से सिंधु के मुहाने से गंगा के मुहाने तक। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका था, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है वो सदा जल प्रवाह करती है, ऑप्शन नंबर 25-24 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वो प्रायः जल प्रवाह होती है कौन नदी में आपका, जो ये जो प्रायद्वीपीय नदियाँ में प्राय पूरा साल वो क्या होता है वो सदा जल ये प्रवाह होते रहता है, हमेशा जल का प्रवाह उसमें होता है, सालों भर वो पानी बहते रहता है प्रायद्वीपीय नदियाँ में। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या है, निम्नांकित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है, तो इसका सही उत्तर होगा साबर, साबर नदी जो आपका क्या है आपका लवणीय जल वाली झील है। यह जो आपका प्रायद्वीपीय नदियों का जो विशेषता है, प्रायद्वीपीय नदियों का जो विशेषता है वो आपका क्या है वो सदा जल प्रवाही होता है, ऑप्शन नंबर इसका जो सही है, प्रायद्वीपीय नदियों में हमेशा जल की प्रवाह होता है। और प्रायद्वीपीय नदियों का कुछ उदाहरण हम बता दे रहे हैं, महानदी नदी, महानदी नदी क्या है आपका प्रायद्वीपीय नदी है, फिर आपका गोदावरी नदी भी क्या है आपका, गोदावरी नदी भी क्या है वो प्रायद्वीपीय नदी है, फिर आपका कृष्णा, कृष्णा कावेरी यह सभी क्या हुआ नदी आपका प्रायद्वीपीय नदी है, जो ये इन सभी नदियों में क्या होता है हमेशा वो क्या होता है निश्चित जल मार्ग होता है, बल का अभाव और पानी का गैर बारहमासी बारहमाह उसमें पानी का प्रवाह होते रहता है, नर्मदा ताप्ती जो दरार घाटी के माध्यम से प्रवाह करती है, यह सभी क्या हुआ आपका महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यह सभी क्या प्रवाह प्रायद्वीपीय नदी है, जो सालों भर वर्षा सालों भर उसमें पानी का बहाव होते रहता है। चलिए अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 25, 25 नंबर क्वेश्चन आपका है, कौन सा जो निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय जल वाली झील है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सांभर झील, क्या हुआ ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, सांभर झील क्या है आपका है वो मतलब लवणीय जल वाली झील है, सांभर झील क्या हुआ लवणीय आपका लवणीय झील वाली लवणीय जल वाली झील है, जो आपका इसको साल्ट सांभर साल्ट लेक भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील भी है आपका। चलिए तो ये आपका क्या हो जाएगा साभर झील आपका क्या है वो लवणीय जल वाली झील है। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या आपका है, क्वेश्चन नंबर 26 निम्नांकित में से कौन सा जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, वो नहीं है बोल रहा है, क्या बोल रहा है नहीं है, क्या बोल रहा है कौन सा कारक नहीं है, तो नहीं है कौन नहीं है, तो कौन नहीं आपका होगा यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो नहीं में आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे निम्नांकित से कौन जलवायु प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो अक्षांश तो प्रभावित करता है, ऊंचाई भी प्रभावित करता है, वायु दबाव भी प्रभावित करता है, नहीं होगा मौसम समाचार, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, मौसम समाचार जो आपका क्या वो जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। देखिए भारत की जलवायु को मुख्य रूप से तीन कारक प्रभावित करता है आपका, पहला क्या है अक्षांश, क्या हो गया आपका अक्षांश हो गया, दूसरा क्या हो गया ऊंचाई, और तीसरा क्या हो गया आपका वायुदाब, वायुदाब और यह सब पवन, ये सब क्या है वो वायुदाब पवन ये सब क्या है जलवायु का मुख्य प्रभावित करने वाला कारक है, तो कौन नहीं है तो मौसम समाचार, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, मौसम समाचार जो है वो आपका जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 27 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है भारत में मानसून का आगमन कब होता है, भारत में जो मानसून का आगमन कब होता है आपका जून के प्रारंभ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 27 का क्या हो जाएगा 27 का बी सही हो जाएगा, जून के प्रारंभ में भारत में जो है आपका मानसून का जो आगमन होता है आपका, मानसून का आगमन कब होता है आपका भारत में, तो आपका मानसून का जो आगमन होता है आपका जून के प्रारंभ में, क्या होता है जून के प्रारंभ में,
भारत में मानसून लगभग जून की शुरुआत में ही आता है, और मानसून की जो अवधि है वह जून की शुरुआत से सितंबर के मध्य तक, वह 100 से 120 दिनों तक के बीच में वह चलता है। और मानसून आमतौर पर जून के पहले सप्ताह तक भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में पहुंच जाता है, और मौसम में आर्द्र दक्षिण पश्चिम ग्रीष्म मानसून का प्रभुत्व हो जाता है। तो आपका इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में मानसून का जो लगभग जून की शुरुआत में ही आ जाता है, और मानसून की अवधि जून के शुरुआत से सितंबर के मध्य तक वो 100 से 120 दिनों के बीच होती है। मानसून आमतौर पर जून के पहले सप्ताह तक भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में पहुंच जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, आपका 28 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है, नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाया जाता है? इसका क्या हो जाएगा आंसर? कंटीले वन तथा झाड़ियों के क्षेत्र में पाया जाता है। वो क्या है? नागफनी आपका कंटीले वन तथा झाड़ियों के क्षेत्रों में पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 29 नंबर क्वेश्चन आपका, यहाँ पे बोल रहा है भारत में लिंगानुपात कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो 29 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम होती है, महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम होती है। देखिए भारत में जो लिंगानुपात आपका है 1000 पुरुष पर औसतन जो है आपका आपका 900 क्या है, 1000 पुरुष में से या आपका 1000 मेल में से आपका क्या है 940, 940 क्या आपका फीमेल है, क्या है फीमेल है, 1000 पुरुष में 940 महिला है, और यही आपका क्या है मतलब वो भारत का लिंगानुपात है, 1000 पुरुष में से 940 महिला है। तो क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है, क्या है महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 30 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रिया कौन सी है? तो जन्म दर भी है, मृत्यु दर भी है, प्रवास भी है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी उपरोक्त सभी। तो जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रिया जो है कम, जन्म दर भी है, मृत्यु दर भी है, और प्रवास भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? तो पहले उत्पादन बोलेगा तो इसका भूमि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 31 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भूमि, क्या हो जाएगा भूमि। देखिए यह होता क्या है, ये जो आपका उत्पादन के लिए जो चार मूल आवश्यकताएं हैं, ये आपका क्या क्या है उत्पादन के लिए चार मूल आवश्यकताएं, आपका पहला आपका क्या है भूमि, पहला क्या आपका भूमि, और दूसरा भूमि में आपका आता है भूमि तथा तो अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल वन खनिज ये आता है, दूसरा आपका क्या आपका दूसरा क्या आपका श्रम, क्या आपका श्रम इसमें, और तीसरा क्या आपका, तीसरा आपका भौतिक पूंजी है, तीसरा क्या आपका भौतिक पूंजी, भौतिक पूंजी तीसरा क्या है भौतिक पूंजी। उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा भौतिक पूंजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक बी सही हो जाएगा, भूमि, उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है भूमि। चलिए दूसरा हम क्या है श्रम, तीसरा हम भौतिक पूंजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी किस स्रोत से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भौतिक और मानव पूंजी दोनों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 32 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किस स्रोत के किस के स्रोत हैं? तो भौतिक और मानव पूंजी दोनों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है आपका, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएँ क्या है? परिवहन भी आपका है गैर कृषि क्रियाएँ, दुकानदारी भी क्या है गैर कृषि क्रियाएँ हैं, और तीसरा आपका लघु विनिर्माण भी है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, पालनपुर में गैर कृषि क्रियाएं आपका परिवहन दुकानदारी लघु विनिर्माण, तो इनमें से सभी हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 23 का हो जाएगा सॉरी 33 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 नंबर क्वेश्चन आपका, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या, ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा, साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या जो आपका क्या है अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 34 का क्या जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या, अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति क्या है साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा।
ऑप्शन में ए क्या हो जाएगा उसका, सही हो जाएगा साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या जो आपका क्या, आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 35 आपका बोल रहा है किनमें से निवेश में निमस निम्नांकित में से किनमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा 35 का, 35 का सी हो जाएगा, शिक्षा और चिकित्सा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। शिक्षा और चिकित्सा जो है आपका क्या है, मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। जो शिक्षा और चिकित्सा में जो निवेश से जो है, शिक्षा और चिकित्सा से निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। देखिए मानव पूंजी में निवेश जो आपका है, शिक्षा प्रशिक्षण चिकित्सा देखभाल के माध्यम से है, भौतिक पूंजी में निवेश की तरह ही प्रतिफल देता है। और ये आपका सीधे तौर पर अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित व्यक्तियों की उच्च उत्पादकता के साथ साथ स्वस्थ लोगों की भी उच्च उत्पादकता के कारण अर्जित उच्च आय के रूप में देखा जा सकता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा और चिकित्सा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका, विश्व में भारत की निर्धनता के अंदर क्या है सबसे अधिक, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 36 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्र है, विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्र है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है 37 नंबर क्वेश्चन, निर्धनता रेखा जो आपका का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता है। तो आपका मनोरंजन की आवश्यकता पर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कि निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जो आपका भोजन की आवश्यकता इस पर विचार किया जाता है, चिकित्सा आवश्यकता इस पर भी विचार किया जाता है, वस्त्र आवश्यकता है इसका भी व्यवस्था विचार किया जाता है, किस पर नहीं किया जाता, मनोरंजन आवश्यकता ये आपका नहीं किया जाता। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनोरंजन आवश्यकता, क्योंकि नहीं पूछा है। चलिए तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 38 नंबर क्वेश्चन आपका, बफर स्टॉक क्या है, बफर स्टॉक क्या है, तो बफर स्टॉक क्या है, तो बफर स्टॉक जो आपका क्या है, बफर स्टॉक आपका सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार है। बफर स्टॉक क्या है, बफर स्टॉक आपका क्या है, सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार है। क्या है बफर स्टॉक, क्या है सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार है। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या आपका, खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है, खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है। इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सभी लोगों के लिए सदैव भोजन उपलब्ध है। खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है, सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, यह आपका खाद्य सुरक्षा का अर्थ है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है, सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन आपका है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा आपका खाद्य सुरक्षा से, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, खाद्य सुरक्षा से, खाद्य सुरक्षा से संबंधित है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। जो आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है, खाद्य सुरक्षा से, देखिए खाद्य सुरक्षा से। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खाद्य सुरक्षा। देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो आपका है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम, ये आपका क्या है, आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जो आपका, उसका शॉर्ट नेम क्या है आपका पी डी एस का पूरा नाम क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अंग्रेजी में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम। ये आपका ये करता क्या है, ये जो क्या करता है वो खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। ये जो आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो आपका है पीडीएस, यह कम कीमत पर अनाज के वितरण और आपातकालीन स्थितियों में प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए जो है लाई गई एक प्रणाली है। इस प्रणाली की शुरुआत जो है आपका कब हुआ था, 1947 में, कब हुआ था 1947 में, पीडीएस 1947 में हुई, और यह देश में गरीबों के लिए सब्सिडी दरों पर खाद्य पदार्थ अनाजों का वितरण का कार्य करता है। यह जो आपका पीडीएस है,
PDS, क्या आपका PDS, ये PDS जो आपका है, आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो आपका पब्लिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम जो आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम, सॉरी, PDS का पूरा नाम क्या है आपका, PDS का पूरा नाम क्या हो गया, PDS, पब्लिक, पी से पब्लिक, डी से आपका डिस्ट्रीब्यूटिव और एस से सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम जो आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, ये आपका, ये किससे संबंधित है, खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और यह क्या है, ये आपका जो PDS आपका कम कीमत पर अनाज के वितरण और आपातकालीन स्थितियों में प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए लाई गई एक प्रणाली है, और यह प्रणाली की शुरुआत 1947 में हुआ है, 1947 में हुआ है, और यह देश के गरीबों के लिए सब्सिडाइज दरों पर खाद का तथा अनाजों का वितरण कार्य करता है। चलिए, इस प्रोसेस के साथ ही ये आपका सेट कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में आप लोगों ने जो आपका 40 MCQ क्वेश्चन का डिस्कशन आप लोगों ने देखा, जो आपका क्लास 9 का आपका सोशल साइंस का सेट नंबर 1 था, जो कि आपका JCERT द्वारा इंटरनेट पर जारी किया गया मॉडल सैंपल क्वेश्चन पेपर है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंस होगा जैक बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए क्लास 9 का। और यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आप लोग उसको बार बार देखिए और आप इस सभी क्वेश्चन को आप याद कर लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, आने वाला एग्जाम आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चलिए, तो आज का वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।